अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज है मेरा रिसेप्शन और आज मैं आई हूँ मेकअप के लिए एटी मेकअप स्टूडियो जो कि अफ्शा मेकओवर्स का है। ऑलरेडी मैं पहले भी करा चुकी हूँ और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसीलिए स्पेशली खास आज मेरे रिसेप्शन के लिए मैं यहाँ पर मेकअप के लिए आई हूँ। तो ये व्लॉग को आप पूरा एंड तक देखना कि किस तरह मेरा मेकअप हो रहा है और किस तरह मैं रेडी होंगी। सो आज का जो मेरा वलीमा रहेगा बहुत ही स्पेशल रहेगा क्योंकि आज के जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट है अफ्शा मेकओवर्स से, एंड थैंक यू सो मच आज आप टाइम निकालकर मेरे लिए यहाँ पर इंतजार करें। और फ्रेंड्स, आज ना मेरा 4 बजे का अपॉइंटमेंट था लेकिन आज मैं आई हूँ यहाँ पर 7:30 के बाद, तो उसके लिए दिल से सॉरी अफ्शा जी एंड सिमी को भी आई एम रियली सॉरी। फाइनली दोस्तों, मैं इनको पार्लर दोस्तों उनको तो मैंने छोड़ दिया पार्लर में और मैं घर पे आ गया। तो अभी कॉल आया मैडम का कि मैं रेडी हो चुकी हूँ बोल के, मैंने छोड़ा उनको 8 बजे, अभी बज रहे हैं 10 और हमें फंक्शन हॉल में एंट्री थी 9 बजे की, तो अभी 10 बज गए हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि सांचक में मैंने लेट किया था तो उन्होंने बोला था कि बदला लेंगे, तो बदला तो ले चुके हैं मैडम। और पता नहीं अभी कितना टाइम होगा, तो मेरे को जल्दी से जल्दी रेडी होके जाना है। तो मैं रेडी होके मेरा लुक दिखाता हूँ और अच्छे से अच्छे कॉमेंट कीजिए, बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा है और ख़ास बात कि हमारी जोड़ी कैसी लग रही है। तो अच्छे से अच्छे कॉमेंट करके बताइए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें, और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको हर अपडेट इस पर दूंगा। अभी तो और एक चीज़ ये थी कि सॉरी, मैं हम लोग ज़्यादा इंट्रो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोग स्टेट पे रहते हैं, तो मेरा भाई या मेरे कोई भी मेरे फ्रेंड्स लेंगे व्लॉग, बट आपको पूरा अपडेट मिलेगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, ओके, चलो वैसे क्या है अपने पीछे देखिए भाई, स्टेज पे भी है।
भाई थोड़ा करीब हो जाओ। अपन अपन ये जोर से पीरो सलाम करो। देखो सलाम।
चलो मामी बैठो, लगन सी हो रहा है, निकालो। दो दिन में कुछ होता टाइम नहीं, खिलाते जा रही बहन अल्लाह से। चलो बेटे यही था तो फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके हैं। तो कैसी लगी आपको दावत? अनएक्सपेक्टेड था आज का मेरा मेकअप लुक भी एंड रिसेप्शन भी मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा था। एंड दिल से थैंक यू सो मच, हमारे जो इवेंट मैनेजर थे बहुत बहुत अच्छा मैनेज करे और इतना अच्छा, मतलब हमारे लिए इतना सरप्राइज था, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हमारे रिसेप्शन में इतना अच्छा सरप्राइज रहेगा हमारे लिए। और टेस्ट तो पूछो न को, एक एक चीज़ इतनी टेस्टी थी ना, फिर से एक बार भूख लग रही, थोड़ा फ्रेश अप होके अपन दे देते फिर से एक बार। और जिस किसी को भी अपने फंक्शंस में बुकिंग कराना है, जिस किसी को भी फंक्शंस में ये सब सारे सर्विस करवाना है, तो आप ये पूरा वीडियो देखो, आप लोग को खुद समझ में आता। और यहाँ पे वो लोग के कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह कुछ भी दिए जाएंगे तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर ले सकते। और ना बीच में हम लोग जो भी वीडियोस डाले वो देखना, क्योंकि हम लोग सारा बहुत ज़्यादा बिजी थे, फ़ोटोशूट ये वो वगैरह वगैरह, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन आप लोग ये ब्लॉग देखना, कमेंट्स करना, बताना कि आज का हमारा लुक कैसा था, बिकॉज़ हमने एक एक चीज़ अच्छे से सेलेक्ट करके ली थी। और हमारे रिसेप्शन के लिए हम काफ़ी महीने से मतलब इंतज़ार थे और बहुत सारे तैयारियाँ कर रहे थे, स्पेशली मेरे शोहर बहुत 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 ज्यादा काम करे। शुक्रिया सिर्फ शोहर ही नहीं, इनसे ज्यादा ना मेरे लाडले देवर जी समीर इतनी मेहनत करे ना, मैं दिल से इतनी खुश हूँ। पहले तो मैं जब हमारा एंगेजमेंट हुआ था तब से मैं छोटा भाई भूल के मान ली थी, लेकिन आज भाई के साथ साथ देवर का भी जो किरदार अदा करे ना, सांचक से लेके शादी से लेके वलीमे से लेके हर काम इतना अच्छे से करे ना समीर, आपको भी दिल से थैंक यू। एंड हमारे सासू माँ है तो हमारे प्यारे सासू माँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या करें, फिर खत्म करें ब्लॉग को? कुछ भी नहीं। और आज अब्बा को भी बार बार बुला रही थी मैं फोटो लेने के लिए, अब्बा भी बार बार आ रहे थे तो मेरे को बहुत अच्छा दिखा। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इतनी प्यारी इतनी क्यूट इतनी अच्छी फैमिली में हमें आई, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। स्पेशली मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, जैसे मेरे हस्बैंड है ना मेरे ससुराल वाले भी वैसे ही है। तो आप भी कुछ कम है क्या? माशाल्लाह आप भी बहुत दिल से बहुत अच्छे हैं और सबको मतलब जो रेस्पेक्ट देते जो जो भी है भाई, बहुत सारे वर्ड्स है मतलब बोल नहीं सकता मैं। वैसे आप लोग जैसा मेरे को प्यार करते हो, जैसा मैं मेरे घर में मेरे मम्मी पापा बहना भांजियाँ जिसको भी जितनी भी मोहब्बत करती थी ना, मैं यहाँ पर भी सेम एज इट इज यही बोलना चाह रहा हूँ, जैसा आप मेरे घर पे करते मैं उससे ज्यादा करूंगी इंशाल्लाह। और कोई दिखावा नहीं, पूरे दिल से करूंगी और पूरी मोहब्बत से करूंगी। वो तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद देखता हूँ। अब नजर लगाओ बल्कि दिखा देंगे क्या? नहीं भाई चलो चलो, बहुत रात हो गई, अब मेरे को भी जरा खाने जाना है भाई, बहुत भूख लग रही, जरा रहम करो। अरे भाई बोलो भाई, वो कुछ बोलते ना लास्ट में। अच्छा वो सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है, हमारा वीडियो पसंद आया, हमारा सांचक शादी वलीमा पसंद आया है, तो आप प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को हमारा ब्लॉग शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आप सभी को हमारा फंक्शन कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग था। और एक बात, ये जो भी हम वीडियोस बनाना सिर्फ आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग शादी में नहीं आ सकते, बल्कि हम लोग सारा शेयर करें
इतना बिजी रह के भी। और एक मैं उन लोग के लिए कुछ बोलना चाहूंगी जो ये बोलते कि ऐसा है वैसा है, ये क्यों डाले, जरूरी था ऐसा था। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मैं समीरा खान हूँ और मैं हैदराबादी आर्टिस्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपना ये व्लॉग शूट करी। मैं अपनी एक एक चीज़ मैं अपने फैंस को बताना चाहती थी कि किस तरह से मैं यहाँ पर आई, किस तरीके से मेरी शादी हुई, वलीमा हुआ, तो हर चीज़ मैं बताना, मेरे को एक ख्वाहिश थी कि मैं मेरे फैंस को बता सकूँ ताकि उन लोग की भी ख्वाहिश रहती है। तो आप लोग ये मत सोचे कि भाई बेपर्दगी हो गई, ऐसा हो गई, वैसा हो गई, क्योंकि मैं घरेलू टाइप की लड़की नहीं हूँ जो कभी कभी मतलब घर पर रहते हैं लड़कियाँ, उनके लिए वो सब ठीक रहता है। मैं तो समीरा खान हूँ, हैदराबादी आर्टिस्ट हूँ, बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं यूट्यूब पर, तो ये तो मेरे लिए नॉर्मल बात है। और मैं तो अपने होने वाले शौहर और मेरे ससुराल वालों के साथ मैं वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बैड कमेंट्स बिल्कुल ना करें, दुआ दे के हमारी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरे बस। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो सब्सक्राइब करें समीरा ज़ेन व्लॉग्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।